मैं देखा तो जो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर कोवास इंटेग्रा 400 प्लस कैसे स्टार्ट होते हैं। एक कोवास इंटेग्रा 400 प्लस, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे एक बटन है, पावर बटन मशीन का और सीपीयू का, तो मैं उसका पावर ऑन कर देता हूँ और उसका ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हो गया स्टार्ट, मतलब तो स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट होते हैं, जैसा शुगर या LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, DMR, ऐसा कुछ टेस्ट होता है, और भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल में जैसे LDL, HDL, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ये सब टेस्ट होता है। और LFT में SGOT, SGPT, बिलिरुबिन, अल्कलाइन, ये सब वगैरह टेस्ट होता है, गामा सीटी, ये सब होते हैं। और KFT में यूरिया, क्रिएटिनिन, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, ये सब टेस्ट होते हैं। DMR भी होता है, फास्टिंग भी होता है, PP, तो सब शुगर टेस्ट होता है, ठीक है। तो अभी स्टेट हो रहा है, मतलब स्किन ये थोड़ा टाइम लगेगा। और उसके लिए जो सैंपल चाहिए होता है प्लाज्मा और शुगर के लिए और DMR के लिए, और सीरम, बाकी जो LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल है, ये सीरम के लिए, सीरम से होता है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, अभी ये ऑन हो रहा है, मैं आपको ऊपर अंदर दिखा देता हूँ। ये अंदर वाला ऑप्शन है, देखिए उसका रिएजेंट निकालना पड़ेगा, तो मैं रिएजेंट फ्रिज में रखा। हाँ, ये रिएजेंट है, ठीक है, वो मैं निकाल देता हूँ, देखता हूँ, दो दो करके निकालता हूँ धीरे धीरे। देख सकते हैं ये अभी आ गया मूड पे, ऑन मूड पे आ गया। तो यहाँ पे जो नान ऑप्शन है, ये जो नान ऑप्शन है उसको वॉल्यूम करना पड़ेगा, नहीं तो वेटमिन पे करना पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसको डबल क्लिक करता हूँ और उसमें लिख देता हूँ वेटमिन। अभी वो रेडी हो रहा है, रेडी मूड पे आ रहा है, तो मैं ये रिएजेंट निकल के रखा हूँ। तो रिएजेंट डालने का हमें इसमें डालना पड़ेगा रिएजेंट ट्रे, ये देखिए कैसे कैसे पोजिशन, CDEFGH, इस तक कैसे का होता है, तो मैं एक एक करके डालता हूँ। डालने के बाद मैंने ये पे डाला था, तो अभी ये वाला आ गया, देखते हैं ना। ठीक है, देखिए ये आ गया, डालता हूँ। रिएजेंट लोड हो रहा है, ठीक है, रिएजेंट कैसे लोड करते हैं ये भी देख लीजिए। रिएजेंट लोड हो रहा है इंस्ट्रूमेंट पे, ये सब देखिए, ये CRP टेस्ट है, इसमें CRP भी होता है। जैसे इसमें देखिए रिएजेंट के नाम, AST, फॉस्फोरस, कैल्शियम, यूरिक एसिड,
ठीक है ना, ये अलग अलग डीएसएम का अलग अलग टेस्ट है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल डीडीएमआर एचडीएल ठीक है, ये है आईएससी, आईएससी के लिए अलग है, एसी आईएससी का होया पोजीशन भी अलग है, तो उसको यहाँ पर डाल देता हूँ, पोजीशन जहाँ पर है वहाँ पर डाल देता हूँ, बस दे दिया और क्लोज। अभी कुछ हाँ ये आईएससी का कुछ फंक्शन चल रहा है, मैं जो नया नहीं डाला ये मतलब कल का है, जब फ्रेश डाल लूँगा तब वो टिक मार्क जाकर ओके करना पड़ता है, तो मैं जो था कल का वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी तक टिक टक है, तो वही मैं डाला, तो अभी जो नया मैंने डाला नहीं तो इसके लिए मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो प्राइम फ्लूइड सिस्टम ये फंक्शन कर रहा है, ये करने के बाद ही मैं क्यूसी रन करूँगा, उसके बाद टेस्ट वगैरह करूँगा, ठीक है।